हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट का इंट्रोडक्शन कराया गया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है और इसे हम कैसे ओपन करते हैं, इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, आदि चीजों के बारे में हमने बताया था। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कैसे काम करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे करूंगा एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम पेंट को ओपन कर लेते हैं। पेंट को ओपन करने के लिए हम दबाएंगे विंडो प्लस आर की, और इसमें जैसा कि पहले से ही टाइप है एमएस पेंट, और हम कर देंगे ओके या हम कीबोर्ड से दबा देंगे एंटर की। हमारा जो एमएस पेंट का विंडो है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो परिचय है हमने आपको पहले ही करा दिया है, इंट्रोडक्शन हमने पहले ही करा दिया है। तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे इसमें हम कैसे काम करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं फाइल मेनू के बारे में। यहां पे अगर आप देखें तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट फ्रॉम स्कैनर आर कैमरा, सेंड इन मेल, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट और एग्जिट, ये सारे मेनूज हैं। यहाँ पे ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं, या इसको आप इसमें और टूल को ऐड करना चाहें तो इस छोटी सी बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अभी सेव, अंडू और रीडू का बटन है, अगर आप चाहते हैं प्रिंट का भी हो जाए तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रिंट का बटन आ गया है। ऐसे आप यहाँ पे चाहते हैं सेंड इन ईमेल का भी आ जाए शॉर्टकट, तो यहाँ पे देखें आ चुका है। ऐसे आप प्रिंट प्रीव्यू भी चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, आप देखेंगे कि इसमें ऐड होता गया है। ऐसे अगर मान लीजिए इसमें से किसी को आपको हटाना है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे कि वो वहां से उस लिस्ट से गायब हो जाएगा। ये प्रिंट प्रीव्यू है, हम इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहां से गायब हो गया। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे शो बिलो द रिबन है, यानी इस रिबन के अगर आप नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार था वो आप देखेंगे कि नीचे आ गया है। इसको हम पुनः क्लिक करते हैं और करते हैं शो अबव द रिबन, तो इससे ये पुनः ऊपर चला जाएगा। यहाँ मिनिमाइज द रिबन, ये हमारा जो रिबन है अगर आप देखें तो इस समय हमारा रिबन गायब हो गया है, और इसको अगर लाना है तो इसी पे हम क्लिक करेंगे तो आएगा, और जैसे ही हम यहाँ पे विंडो में क्लिक करेंगे वो पुनः गायब हो जाएगा। हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो व्यू का रिबन आएगा, होम पर क्लिक करते हैं तो होम का रिबन आएगा, लेकिन जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा। तो इसको अगर आप लाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इसी पे अगर हम यहाँ पे देखें होम और व्यू वाला जो लाइन है इसी पे आप राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे मिनिमाइज रिबन पे क्लिक करिए तो ये परमानेंटली पुनः आ जाएगा। हटाने के लिए आप पुनः इसी पे क्लिक कर दीजिए, राइट बटन दबाइए माउस का और मिनिमाइज दी रिबन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम रिबन को कैसे मिनिमाइज करते हैं और कैसे इसको पुनः लाते हैं। यहाँ पे जो हमारे टूल्स हैं इनको भी आप ऐड करना और रिमूव करना जान गए हैं। यहां पे अगर देखें तो एक छोटी सी बटन है, यहां से भी हम रिबन को हाइड और शो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए यहां पे हम देखते हैं, जैसा कि यहां पे सबसे पहले आता है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया, यानी अगर हम मान लीजिए एक फाइल बनाए हैं, इस विंडो में हमने कुछ बनाया है, अब इसके बाद हमें कोई दूसरा चित्र बनाना है तो हम क्या करेंगे, न्यू। न्यू करने से हमको एक नया विंडो मिल जाएगा, एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा, ड्राइंग करने के लिए आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस एन। दोस्तों, ये सारे जो ऑप्शन हैं ये हमने आपको नोटपैड में पहले से बता दिया है कि कैसे हम न्यू पे क्लिक करके नई फाइल बनाते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं और कैसे सेव एज करते हैं, ये सारी चीजें हमने बता दिया है। तो न्यू का प्रयोग नई फाइल बनाने के लिए, ओपन का प्रयोग जो हम पहले से फाइल बना के सेव किए हैं उसको ओपन करने के लिए, सेव का प्रयोग जो करेंटली हम फाइल बना रहे हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य में अगर आपको जरूरत है तो उसको आप सुरक्षित रखने के लिए आप सेव पर क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एस होता है।
और इसके बाद सेवैज है, सेवैज में यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वहां पे आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं दिखते थे। यहाँ पे आप जो फाइल है, जैसे आप मान लीजिए कोई चित्र बना रहे हैं, आप उसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। अगर आप पीएनजी में करना चाहते हैं तो आप पीएनजी पे क्लिक करिए, जेपीईजी के रूप में सेव करना चाहते हैं तो आप जेपीईजी पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप बिट मैप में चाहते हैं तो बीएमपी कर दीजिए, अगर आप जीआईएफ में चाहते हैं तो आप जीआईएफ पे क्लिक करिए, और भी अदर फॉर्मेट आपको यहां से मिल जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे, और यहां पे अगर आप देखें तो प्रिंट में भी यहां पे तीन ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, वहां पे आपको केवल प्रिंट ही दिखता था। प्रिंट का मतलब होता है कि प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा और आप प्रिंटर चूज करेंगे और फिर प्रिंट देंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, वो सेलेक्ट करके आप प्रिंट दे सकते हैं। अगर हम इस पे पुनः जाएं और प्रिंट पे अगर प्रीव्यू पेज सेटअप पे जाएं, तो यहाँ से आप इसका जो पेज है उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी जो आपका प्रिंट का विंडो है वो क्या है, लैंडस्केप है डिफॉल्ट रूप से। आप इसे पोर्ट्रेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह यहाँ भी आप सेट कर सकते हैं, पेपर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं और आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसको हम करते हैं ओके, और हम पुनः चलते हैं फाइल पे, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी है। आप प्रीव्यू देखना चाहें कैसे प्रिंट होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक चित्र बना देते हैं, और इसका अगर हम प्रीव्यू दिखाएं, तो हम फाइल पे क्लिक करें, प्रिंट पे जाएं और प्रिंट प्रीव्यू करें, तो आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इस टूल का प्रयोग हम तब करेंगे जब मान लीजिए हमारे कंप्यूटर से कैमरा अटैच हो या हमारा स्कैनर अटैच हो, और उसमें कोई फोटो उसके माध्यम से यहाँ प्रिंट में लाके आपको कोई एडिटिंग करना हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इम्पोर्ट फ्रॉम स्कैनर आर कैमरा। यानी इस ऑप्शन का प्रयोग हम कैमरे की फोटो को या स्कैनर के द्वारा कोई फोटो स्कैन करके कंप्यूटर में डालने के लिए और पेंट में उसमें एडिटिंग करने के लिए करते हैं। सेंड इन ईमेल, मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है पेंट में और उससे आप किसी अपने दोस्त के पास भेजना चाहते हैं, तो आप यहां से सेंड इन ईमेल के द्वारा आप अपनी फाइल को भेज भी सकते हैं। सेंड ए कॉपी ऑफ द पिक्चर इन एन ईमेल मैसेज एज एन अटैचमेंट। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहां पे ये जो ऑप्शन है इसका प्रयोग हम अपने द्वारा बनाए गए चित्र को वॉलपेपर के रूप में, डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में सेट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई फोटो बनाई है, कोई पिक्चर बनाई है जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि वो आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में, जैसे यहां पे आपको चित्र दिख रहा है, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में उस फोटो को लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल को अपने सेव कर देना है और उसके बाद सेव एज पे आके क्लिक करेंगे तो वो फोटो आपकी डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में लग जाएगी। यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरे स्क्रीन पे फिल में रहे, फिल हो, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उस पिक्चर का जो है छोटा छोटा करके हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे तो आप टाइल कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि वो बीचों बीच में हो हमारे स्क्रीन के तो आप सेंटर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज से क्या होगा कि हमारे इस पेंट में जो है जो इमेज होगी उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। जैसे कि हम इसको कर देते हैं, और इसको कर देते हैं कलर दूसरा। हम अब हम चलते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अगर हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट करें, ओके करें, ओके करें, तो आप देखेंगे ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया, सारे कलर भी ऊपर से गायब हो चुके हैं। हम इसको कंट्रोल जेड से पुनः हमने कर लिया वापस, और प्रॉपर्टीज में चलें तो एक चीज और यहाँ पे है, यूनिट्स। इसके लिए पहले हम व्यू में चलते हैं और रूलर को कर लेते हैं ऑन। यहाँ पे आप देखें तो ये रूलर आपको दिखाई देता है, तो यहाँ पे रूलर जो है दिखाई दे रहा है। हम प्रॉपर्टीज पे चलेंगे और इसको करेंगे सेंटीमीटर में, तो हमारा रूलर जो है सेंटीमीटर में आपको दिखाई देगा।
अब यहां पे ये सेंटीमीटर में आपको दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं पुनः प्रॉपर्टीज पे और इसको करेंगे इंच, तो अब हमारा जो रूलर है वो इंच में दिखाई देगा। अब ये इंच में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज में सेट कर सकते हैं इंच, सेंटीमीटर और पिक्सल, और ब्लैक एंड व्हाइट की कलर क्या रहेगा आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे पेज की जो है विड्थ और हाइट जो है आप चूज कर सकते हैं और उसके बाद ओके कर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला जो मेनू है वो है अबाउट पेंट। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल आपके पेंट के बारे में बताया गया है कि ये कौन सा वर्जन है, क्या है, इसके बारे में बताया गया है। हम चलते हैं आगे और देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग है एग्जिट। एग्जिट से क्या होगा कि हमारा जो पेंट है ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप नहीं बंद करना चाहते हैं तो हम इसको कर देते हैं कैंसिल। तो इस तरह से हमने आपको फाइल मेनू के बारे में बताया कि न्यू क्या है, ओपन क्या है, सेव क्या है, सेव एज क्या है, प्रिंट, ये सारी चीजें हमने आपकी क्लियर कराई। अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं होम टैब के बारे में। होम टैब में अगर हम देखें तो यहां पे सबसे पहले आता है कट, कॉपी और पेस्ट। अब इसमें कोई चीज कट कैसे करेंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कोई चीज कट कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। हम पहले कोई एक चित्र बना लेते हैं कुछ, अब जो है हम देखेंगे इसमें कट कॉपी पेस्ट। देखिए ये है, इसको हम मान लीजिए कट करना चाहते हैं, तो कट करने के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना होगा, तभी ये कट और कॉपी हाईलाइट होगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको यहां पे आना है, और यहां पे सिलेक्ट करने का दो तरीका है, एक है रेक्टेंगुलर और एक है आपका फ्री फ्रॉम। रेक्टेंगुलर करेंगे तो ये आपको इस तरह से सिलेक्शन दिखाई देगा, यानी ये आप बॉर्डर देख रहे हैं इसके अनुसार सिलेक्शन होगा। दूसरा है कि आप कर सकते हैं रेक्टेंगुलर, और इससे क्या होगा आप अपने हिसाब से ऐसे करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन हो चुका है। अब इसको मान लीजिए करना है कट, तो आपको करना होगा कट पे क्लिक, और ये अब यहां से हट गया। अब इसको पेस्ट करना है तो आप करेंगे पेस्ट पे क्लिक, ये आप देखें यहां पे आ चुका है। अब इसको जब यहां पे आया है इसको आप कहीं भी उठा के रख सकते हैं। अब अगर हम बाहर क्लिक कर देंगे फिर हम इसको इधर उधर नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से हम कट कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई चीज कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद क्या करना है आपको, कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी करने से क्या होगा, इसकी एक और प्रति बन जाएगी। हम करते हैं पेस्ट, पेस्ट के लिए हम कंट्रोल वी दबाते हैं और ये जो उसका जो है एक प्रति और बन जाएगा, इसको हम लगा सकते हैं। ऐसे हम कंट्रोल वी एक बार और करें तो हमको पुनः मिल जाएगा। एक बार कट या कॉपी करने के बाद आप उसे बार बार पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पेस्ट में एक और ऑप्शन है पेस्ट फ्रॉम, यानी अगर आप इसमें कोई फोटो वगैरह लाना चाहते हैं तो आप कोई फोटो भी ला सकते हैं। मान लीजिए हम ये फोटो यहाँ पे डालना चाहें तो इस फोटो को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे और इसको जहां पे रखना चाहें रख सकते हैं। अब अगला जो टूल्स है, यहाँ पे हमने आपको रेक्टेंगुलर और फ्री फॉर्म आपको दिखा दिया। सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, पूरा का पूरा विंडो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और आगे हम चलते हैं, डिलीट करना हो कोई चीज तो सिलेक्ट करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। आपको पहले सिलेक्शन में आना है,
और इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहीं पे आके कर दीजिए डिलीट, तो वो चीज हो जाएगी डिलीट। इसको हम सेलेक्ट करके और कॉपी पेस्ट करना चाहें कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो इसकी आप देखेंगे कॉपी बन जाएगी। हम पुनः कंट्रोल वी करेंगे फिर एक फोटो आ जाएगी। तो कट कॉपी पेस्ट हो गया और सिलेक्शन हो गया। इसके बाद अगला इसमें आता है क्रॉप। क्रॉप करने से क्या होगा, पहले क्रॉप करने के लिए भी अभी आप देखें तो यह हाईलाइट नहीं है, क्रॉप करने के लिए भी आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, इसको हम करते हैं सिलेक्ट, और अगर हम क्रॉप करेंगे तो होगा क्या कि ये केवल हमारा बचेगा और सारा का सारा विंडो का जो डेटा है वो चला जाएगा, क्रॉप केवल उतना ही बचेगा जितना हमारा सिलेक्शन होगा। मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे क्रॉप करेंगे तो केवल इतना ही बचेगा और सारा का सारा खत्म हो जाएगा। हम कंट्रोल जेड से पुनः वापिस आ गए। रिसाइज, आपको कुछ बड़ा करना है छोटा करना है तो आप रिसाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, रिसाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको चाहे तो हॉरिजॉन्टल में हम इसको कर देते हैं 120, ओके करते हैं। ये देखिए 120 हो चुका है, रिसाइज करते हैं, इसको करते हैं हम 80 और ये फिर से जो है उसी साइज में हो चुका है। हम करते हैं रिसाइज, इसको हम थोड़ा तिरछा अगर करना चाहें तो इसको हम कर देते हैं 20, करते हैं ओके। अब आपने देखा ये तिरछा हो गया है, हम करते हैं इसको सेलेक्ट और इसको भी हम करते हैं रिसाइज और इसको अब हम वर्टिकल करेंगे, इसको भी करेंगे हम 20, ओके करेंगे तो इस तरह से तिरछा हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप इसको जो है तिरछा कर सकते हैं और इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगला आता है रोटेट, इसको आप घुमाना चाहें तो आप घुमा भी सकते हैं इस तरह से। अगर आप देखें पहले आपको सिलेक्ट करना होगा उसके बाद ही आप रोटेट कर पाएंगे। एक बार हमने रोटेट किया राइट दाहिने तरफ को तो वो जो है दाहिने तरफ को रोटेट हो गया और हम पुनः उसको लेफ्ट कर देंगे तो पुनः अपने पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम करके दिखाते हैं, हम रोटेट करते हैं और हम पुनः लेफ्ट करेंगे, फिर हम 180 करेंगे तो 180 में पूरा उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, और पुनः करेंगे 180 तो पुनः ऊपर सीधा हो जाएगा। फिर हम वर्टिकल करेंगे और हम पुनः वर्टिकल इसको कर लेते हैं और फ्लिप कर लेते हैं, यानी ये उल्टा हो जाता है। देखिए इसमें जो है ये वाला जो भाग है ये इधर था अभी, लेकिन अब इधर हो गया है। अगर हम फिर से करें तो अब आप देखें तो पुनः ये इधर आ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको टूल्स मेनू सेव्स और ये जो जितने भी कलर हैं इसके बारे में, साथ ही साथ आपको हम व्यू मेनू में जूम इन जूम आउट 100% और ये सारे टूल्स के बारे में बताएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।